सर तुम्हारे कॉलोनी में जो नया आदमी है ना, ढोंगी पुलिस, उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वही स्टाइलिश? वही स्टाइलिश नहीं, किलर है। उसने 11 लोगों को मार कर पूरे शहर में सनसनी फैला दी है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। हे भगवान, हम जिसे हीरो समझ रहे थे वो तो ढोंगी निकला भाई। आप अपना मुंह बंद रखिएगा, हम ये टेंशन में मर रहे हैं। समथिंग इज रॉन्ग। हमें तो उस पर पहले से ही डाउट था, वो जरूर कोई करामात करेगा। हाँ, सही है सही है। वो गलत नहीं हो सकता सर, उससे कभी गलती नहीं हो सकती। hey, ये जरूरत से कुछ ज्यादा बोल रहा है, इसे जीप पे डालो। सर, 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 मैं तो ऐसे ही डाल दे रहा था सर। लेकिन सर, वो रफीक है ना, रोज उसे पिकअप करता है, उसका कोई ना कोई रिलेशन है सर। ये रफीक कौन है? वही सर, आपकी तरह पुलिस वाला, हैंडीकैप्ड है, इसी कॉलोनी में 108 नंबर पे रहता है सर। जाओ जाकर ले आओ उसे। नमस्ते साहब। उसे क्या देख रहे हैं साहब? वो कालमान राज है, ब्याज ना मिलने पर वो लड़कियों को उठा ले जाता है। क्यों रे, मेरा पैसा नहीं देगा क्या? कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक हफ्ते में लौटा दूंगा। हफ्ता हफ्ता कह के और कितना हफ्ता लगाएगा रे? तू चाहे तो मैं वेट कर सकता हूँ, तेरी बेटी को मैं एक हॉलीडे पे ले जाना चाहता हूँ, हफ्ते 10 दिन में लौटा भी दूंगा। तब भी अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इसे दुबई भेजवा दूंगा। जी जी, ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हो तुम? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, अगले महीने की 15 तारीख को बारात आने वाली है। तो मैं क्या करूँ? इसकी शादी करने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पैसे लौटाने की नीयत नहीं। ये क्या बात कर रहा है तू? चल, छोड़ उसे, क्या कर रहा है? मत करना। पुलिस तुम्हें कॉलोनी में ढूंढते हुए आ गई है। रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कर। रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसा मत करो। इस भगवान ने आपको बिल्कुल सही वक्त पर भेजा है, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली बाबू। सर सुनिए, वो आपके पास ही आ रहा है। बहुत मजा आएगा। वो बेवकूफ है जो मरने के लिए मेरे पास आ रहा है, आज नहीं बचेगा वो। ए, रुक रे, आने दो उसे। ए, सुन, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, अभी नाचो तुम लोग, चलो नाचो। कह रहा हूं, जरा जरा रे। ए, तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ एंजॉय करो। We'll be right back.
कौन है रे तू? पुलिस, पुलिस को तूने क्या समझ रखा है? अपने घर का मामूली वॉचमैन तूने बुलाया था, मैं आ गया। नहीं देख अरे सिम, सर 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 रुक जाइए प्लीज। सर ये कौन है आपको पता भी है? ये पागल है सर। किसी भी परिस्थिति में उस पुलिस ऑफिसर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। संभल के उसे फॉलो करना। अंडरस्टूड? यस सर। ये मेंटल हॉस्पिटल से भाग के आया सर। हम लोग इसे पिछले 25 दिनों से ढूंढ रहे हैं। क्यों रे? फिल्म चल रही है जैसे, क्या है ये? तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर आगे फाड़ कर क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगा उसे। सर, चलो जल्दी ले चलो इन्हें, चलो। ये आदमी है या मेंटल है पापा? दोनों ही है वो। मतलब? रोड तो सबका है, ट्रैफिक जाम करोगे? ए, ज्यादा नौटंकी मत करो, जाओ यहाँ से। गणेश महाराज की, गणेश महाराज की। तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? गणेश महाराज की, गणेश महाराज की, गणेश महाराज की, गणेश महाराज की, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। पर हाथ उठाने की जरूरत किसने की? इसने साहब। ए पुलिस वाले, हमारे आदमी को अरेस्ट करता है हमारे एरिया में आके हमसे होशियारी? गणपति बाप्पा, जरा ऊपर देख, दुकान का नाम रखा है कनक दुर्गा वाइन्स। ये क्या कर रहा है तू? ये भक्ति है? यहाँ ऊपर भगवान की फोटो लगी है और नीचे जश्न हो रहा है। कनक माता वाइन्स, साईं बाबा वाइन्स, वेंकटेश वाइन्स, तिरुमाला वाइन्स, भगवान के नाम पर काले काम करता है। रोड के बीच में मूर्ति रख के पुलिस वालों को मारता है। भाई है तू? हाँ तेरी। चल मेरे साथ, दिखाता हूँ। देखिए देख क्या है। भक्ति ऐसे नहीं होती भगवान को रोड के बीच रख के उसके आसपास नाचना, बल्कि ऐसा हशर होने से रोकना। बेटा उठो, प्रिंसिपल ने कुछ बोला है? कल से मुझे उल्टी हो रही है सर, लेकिन मेरी माँ ने मुझे फिर भी स्कूल भेजा। इसकी माँ को अरेस्ट करो। कानून की पावर क्या है ये सबको सिखाए तू, न्याय को पाने खातिर अन्याय से लड़ जाए तू। जख्म
बेटा इसे छोड़कर चला गया है, 3 दिनों से यहीं पर बैठी उसका इंतजार कर रही है। वो कुछ नहीं है सर, बाजू में वृद्धाश्रम है ना, हर दिन कोई बेटा या बेटी अपने माँ बाप को यहाँ छोड़कर जाते ही रहते हैं और ये बेचारे वहाँ इंतजार करते रहते हैं। ये तेरी माँ? हाँ सर। जो भगवान दिखता नहीं उन्हें प्रणाम करते हैं और भगवान स्वरूप माँ बाप का इतना बुरा हाल करते हैं, दाने दाने का मोहताज बना दिया। अभी भी वक्त है, अपने पाप का प्रायश्चित कर लो। चलो ले जाओ इन्हें। बदलेगा ना ये खुद को, पीटा है पीटेगा हर मुजरिम को, खत्म करता है जुल्म को, इसके हद की कोई हद नहीं, जो ये करता वही है सही, वही है सही। टिकट नहीं मिली सर। नाम के लिए डीएसपी हो। जाकर उन्हें सॉरी बोलो। आई एम सॉरी सर जी। इनसे माफी मांगो। आई एम वेरी सॉरी। उनको समझा देना पुलिस वाले पर हाथ उठाने का किसी को हक नहीं। ठीक है सर। आप मुझे सलूट मत कीजिए, आप देश की रक्षा करते हैं, सलूट तो मुझे आपको करना चाहिए। संभल कर जाइएगा। Yes, sir.